आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम होम मेनू बार एक्सेल के होम मेनू बार के अंदर इस एडिटिंग वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटो सम। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत अच्छे से पड़ जाता है। मान लीजिए एक लिस्ट है और मुझे इस लिस्ट में से कोई अगर कोई लिस्ट में से मुझे अगर मान लीजिए कि ए चाहिए टोटल करना है इस लिस्ट को, तो जने लोग क्या करते हैं इक्वल सम लगाते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसे अच्छा है कि आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल में प्रेस कर दें, ऑल्ट प्लस इक्वल, वो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, ये ऑटो सम होता है ऑल्ट प्लस इक्वल। अब सम के अलावा कुछ और चाहिए आपको तो यहाँ पे आप ऑटो सम की जगह पे यहाँ पे एवरेज काउंट नंबर, इसका शॉर्टकट तो नहीं है बट इसको आप मैनुअली लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फिल का। जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे रैम बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब इसमें एक और आता है कंट्रोल डी, अगर मैं करूँगा तो डाउन हो जाएगा एंड कंट्रोल आर करूँगा तो राइट हो जाएगा। तो जैसे कि कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्टेड में से ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है और कंट्रोल आर करते हैं तो सिलेक्टेड की वैल्यू नीचे से ऊपर चली जाती है। सर परमिशन दे दीजिएगा। जी जरूर। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्वेंस नंबर की बात करें तो अगर मान लो कोई सीरियल नंबर लिखना होता है तो आप जैसे 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे और फिर दोनों को लेके सेलेक्ट करके आप फिर ड्रैग करते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप जो है 1 लिख दीजिए और फिर यहाँ आप सीरीज का यूज कर सकते हैं, रहा आपका सीरीज। सीरीज में आपका होता है यहाँ पे लीनियर ऑटोमेटिक है क्योंकि सिक्वेंस में चाहिए आपको। और यहाँ पे होता है स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, मतलब कितना एक एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या गैप चाहिए आपको और कहाँ तक चाहिए। मान मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 तक का सीक्वेंस बनाना है, 20 लिख के ओके कर दिया तो सिलेक्शन चाहे जितना भी होगा वो 20 तक का आपको बना के दे देगा। अरे किसी बता देंगे क्या आप सीक्वेंस नंबर लिखे, एरिया एक कॉलम को एक एरिया को सिलेक्ट कर ले, उसके बाद सीरीज पे जाए, फिल के अंदर सीरीज पे। यहाँ स्टेप वैल्यू है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितना गैप होगा। और उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेप स्टॉप वैल्यू कि मुझे कहाँ तक करना है। तो अगर स्टॉप वैल्यू डालोगे तो वहीं तक सीक्वेंस देगा, अगर ना डालोगे तो जितना एरिया सिलेक्टेड है उतने एरिए में आपको देगा। उसके अलावा इसमें लीनियर के जगह पे मैं ग्रोथ सेलेक्ट कर लूँ, मैं यहाँ पे ग्रोथ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, जितने भी नंबर से उनको 2 से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका यूज हम डेट वगैरह में भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट डाल दिया और मुझे नीचे ड्रैग करना है तो ड्रैग कर सकते हो, या इसके अलावा आप सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डे करोगे तो पूरा एक एक दिन का आएगा, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे मुझे सैटरडे एंड संडे नहीं चाहिए, जिस वीक डे चाहिए तो मैं यहाँ वीक डे सेलेक्ट कर लूँगा डेट के अंदर वीक डे। तो वीक डे में क्या होगा कि सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करेगा, मंडे टू फ्राइडे शो करेगा। जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे इसने शो किया। उसके अलावा मंथ करेंगे तो मंथली शो करेंगे, ईयर करेंगे तो आपका ईयरली शो करेंगे। उसके अलावा पहले यहाँ पे एक क्रॉस वर्कशीट है जो कि हाइलाइटेड नहीं है। चलिए एक क्रॉस वर्कशीट को भी समझते हैं। एक क्रॉस वर्कशीट के लिए हमें कई सारे शीट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम डेट देते हैं, यहाँ पर डेट डालते हैं और इसको फॉर्म। और मैं चाहता हूँ कि जो डेट ऊपर डला हुआ है हर सीट में सेम लोकेशन पे आए, हर सीट के सेम लोकेशन से।
इसके लिए हम शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा पूरा सीट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ सीरीज में एक क्रॉस वर्कशीट हाईलाइट, जैसे आप मल्टीपल शीट को सिलेक्ट करते हैं आपका एक क्रॉस वर्कशीट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, तो इसे क्रॉस वर्कशीट को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे अगर आपने ऑल किया तो जैसा है सेम उसी तरह का कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर आपने इसमें कंटेंट किया जिस इसकी कंटेंट को पेस्ट करेगा, अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेट किया जिस फॉर्मेट को पेस्ट करेगा। तो फिलहाल मैं ऑल में क्लिक करता हूँ, ऑल कर दिया तो सेम डेटा सेम हर सीट के सेम लोकेशन में आपका यहाँ पर पेस्ट हो। अब इसको आप क्रॉस वर्कशीट भी ले सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है जस्टिफाई। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नेम है या नेम ऑफ द लिस्ट है इस तरह से। हालांकि इसका यूज हम लोग पहले बहुत करते थे लेकिन 2019 में इसका यूज ना रहा क्योंकि एक फॉर्मूला आ गया। होता है क्या था कि हमें इसको इस तरह से कॉमा या स्पेस से सारे को यहाँ पर लिखना पड़ता था। तो पहले जो पुराने वर्जन के एक्सेल थे हमारे 2016 तक के जो एक्सेल थे उसमें कॉन्केटानेट का फॉर्मूला था। तो कॉन्केटानेट फॉर्मूले में आप मल्टीपल्स वन बाय वन हमें रो इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता। लेकिन इसको यूज करते थे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते थे और सिलेक्ट करते थे और यहाँ पे जस्टिफाई यूज कर देते थे। तो जस्टिफाई जो है जितना कॉलम की साइज होगी उसमें ऑटोमेटिक मर्ज कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबको मर्ज करेगा, वो इस कॉलम में जितना आएगा, मान लीजिए आपके कॉलम की साइज अगर छोटा है तो फिर वो दो रो में आ जाएगा। ठीक है, और आपने बड़ा कर दिया एक रो में आ जाएगा। अब बोलेंगे सर हमने तो कॉमा लगाया हुआ था बट यहाँ पे तो स्पेस है, तो आप रिप्लेस यूज करते हुए स्पेस को कॉमा में कन्वर्ट कर दीजिए। हो गया कॉमा, या जो भी सेपरेट यूज करना कर लीजिए। तो इसका यूज इसका एक और फायदा है कि अगर आप इसको वापस तोड़ना चाहें तो इसको छोटा कर लें और इसको सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे कर दें जस्टिफाई, तो ये अपने आप को छोटा भी कर लेगा। तो इसका यूज हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन एंड कॉन्केट फार्मूला के हिसाब से करते हैं, जो कि फार्मूला एक क्लासेस में समझाऊंगा। ओके सर, अगला टॉपिक आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए मुझे एक अलग से डेटा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास लिस्ट ऑफ द नेम है, जैसे पूजा सिंह, मोहन वर्मा, मनोज कुमार, इंदु देव। अब मैं चाहता हूं इसमें का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग हो जाए। जी हाँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पूजा, लिख के एंटर प्रेस करूँ, उसको सिलेक्ट करूँगा और यहीं पे आपके सामने फ्लैश फिल आ जाएगा। तो यहाँ पे पूजा आ गया, मोहन आ गया, मनोज आ गया, इंदु आ गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा सिंह, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फ्लैश फिल, तो देखिए लास्ट नेम आ गया। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का मतलब है कि जो एक कॉलम है उस कॉलम में से एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो। जैसे मान लीजिए डेट ही मैं यहाँ पे डालता हूँ और डेट में मैं यहाँ पे बहुत सारे डेट डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें से मंथ अलग हो जाए, तो मैंने यहाँ पे AUG लिखा, इसको सिलेक्ट किया और यहीं पे हम कर देते हैं फ्लैश फिल। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अलग हो गए। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नंबर है, मुझे इसमें से मान लीजिए कि तीसरा चौथा नंबर चाहिए,
तो यहाँ पे मैंने 3 9 लिख के एंटर मारा, इसको सिलेक्ट किया एंड फ्लैश। लेकिन ध्यान रखिएगा, नंबर का सीक्वेंस अगर सही पार्ट में नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे मान लीजिए कि डेसिमल है हमारे पास, तो डेसिमल प्लेसेस को भी अलग कर सकते हैं। 0.36 एंटर मार के किया, अब यहाँ पे कर दीजिए आप फ्लैश फिल। ठीक है सर, तो फ्लैश फिल को आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा और इसके तकरीबन 20-25 एग्जाम्पल बना के मुझे भेजिएगा। ठीक है सर, अब फ्लैश फिल के बाद हमारा अगला ऑप्शन है, वो है क्लियर। क्लियर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इसको हटा दें, तो बहुत सारे लोग इसको डिलीट कर देते हैं। बट डिलीट करने से क्या होता है, फिर पूरा एरिया यहाँ पर मूव होगा और इससे जो रिलेटेड फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूले में एरर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगाया था। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मतलब हर इसको हटाना है, तो जितने लोग इसको डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट में क्या होता है कि एक तो देखिए पूरा एरिया मूव हो गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है, आर एफ का एरर दे दिया। तो आपको क्लीन ही करना है ना, इस चीज़ को हटाना ही है ना, तो आपके सामने यहाँ क्लियर ऑल का ऑप्शन है, हट गया सर। या फिर यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कीजिए, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे करना है कमेंट, कमेंट क्लियर हो जाएगा, कंटेंट क्लियर हो जाएगा, कमेंट क्लियर हो जाएगा, हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ क्लियर करना आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है सॉर्टिंग फिल्टर। तो सॉर्टिंग को समझने के लिए हमें चाहिए डेटा, तो हम फाइल में जाके एक डेटा वाली फाइल को ओपन करते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि हम सॉर्ट का यूज करेंगे क्या। देखिए सॉर्टिंग का यूज होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर। जैसे मान लीजिए इसी में मुझे क्वांटिटी में ही मुझे टॉप 10 क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ जस्ट इसको शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ से टॉप सॉरी शॉर्ट हम यहाँ से कर दिया, यहाँ ए टू जेड कर दूंगा और यहाँ से 10 को उठा लूंगा मैं, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो किसी भी सीक्वेंस में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट करने का एक नियम है। नियम ये है कि आप जो है चेक कर लीजिए कि डेटा कोई ब्लैंक तो नहीं है। अगर डेटा ब्लैंक हुआ तो फिर आपको डेटा सिलेक्ट करके शॉर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है या कॉलम ब्लैंक है, तो ये कंट्रोल ए जो करेगा तो ये ऊपर ही रह जाएगा, नीचे का एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, तो अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ एक फील्ड के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो सिटी के ऊपर कर्सर रखूँगा और इसको शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दूँगा। लेकिन मुझे नहीं, सिटी के अंदर, एरिया के अंदर, फिर उसके हिसाब से उस क्वांटिटी में कई सारे लेयर लेके चलने हैं, तो उस केस में कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट लेबल करते हैं, ऐड लेबल, यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखते हैं, फिर वापस ऐड लेवल सिटी रखते हैं, फिर ऐड लेवल उसके बाद हम एरिया रखते हैं, और फिर ऐड लेवल उसके बाद फिर हम क्वांटिटी लेते हैं, ऐड ओके। तो देखिए अमर के अंदर जयपुर आ गया, जयपुर के अंदर नॉर्थ आ गया, नॉर्थ के अंदर पूरा सिक्वेंस आ गया, और जयपुर के बाद मुजफ्फरपुर आ गया, उसके बाद जिजियन आ गया, उसके बाद पुणे आ गया, यहाँ तक साउथ हो गया। तो आपका ये शॉर्ट उसी हिसाब से हो गया।
ठीक है। अभी शॉर्ट के अंदर की जो डिटेल वाली चीज़ें हैं हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे।